देश भर में हम लोग इंडिया अलायंस बनाए, हर देश के नेता के घर जाकर के गठबंधन बनाया, लेकिन चाचा जी पलट गए। तेजस्वी का जो कहता है वो करके दिखाता है। हम जुमला पार्टी अब बड़का झूठा पार्टी नहीं है। हमने जो अग्निवीर योजना इन लोगों ने लाया है इसको खत्म करेंगे। बताइए, दुदुगो उप मुख्यमंत्री हो गया, कोनो काम नहीं कर रहा, खाली गड़ी आता है हमको सुबह शाम। नौजवान के बियाह हो जाएगा, बीबी खुश, माई बाप खुश, बच्चा के खिलौना ला के देगा। तो जेल में था तो कोई बियाह ना करेगा, बियाह नहीं होगा तो बच्चा कहाँ से होगा रे भाई। आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला और यहाँ हम कोई मोदी जी की बात नहीं करेंगे, सीधे सीधे मुद्दे की बात करेंगे, जनता की बात करेंगे। मेरा मानना है कि बेरोजगारी हमारा असली दुश्मन है, हमारा मानना है गरीबी हमारा असली दुश्मन है, महंगाई हमारा असली दुश्मन है। लोगों को शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, लोगों को नल से पानी मिले, लोगों को नौकरी मिले, लोगों का भविष्य उजड़ा हो, औरंगाबाद में, गुड़वा में निवेश हो, कारखाने लगे, बिहार से पलायन रुके, गरीबी हटे, ये है असल मुद्दा रे भाई। हम पिछले चुनाव में आए थे, विनय जी के लिए प्रचार किए थे, आपने आशीर्वाद दिया, भरपूर दिया, और इसी मैदान में हमने क्या वादा किया था कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। बोले थे ना जितना जीविका दीदी है, आशा ममता है, तालमी मरकज है, टोला सेवक है, विकास मित्र है, सबके आय को दुगुना करेंगे। हमने बोला था 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे। और जब नीतीश जी हमारे चाचा अभिभावक, हमारे पिता तुल्य, हम उनका सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं, जब बीजेपी को लात मार करके आए, हम लोगों से माफी मांगा, लालू जी से माफी मांगा, मेरी माँ से माफी मांगे कि अब कुछ हो जाए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने फिर से नीतीश कुमार जी को अपनाया, मुख्यमंत्री दोबारा बनाया और देश भर में हम लोग इंडिया अलायंस बनाए, हर देश के नेता के घर जाकर के गठबंधन बनाया, लेकिन चाचा जी पलट गए। अब पलटे की हाईजैक हो जाए ये विषय अलग है, इसको अभी थोड़े देर के लिए अलग रखिए। लेकिन जब हम बोलते थे कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे तो यही हमारे चाचा बोलते थे, कहां से पैसा ला करके देगा, अपने बाप के पास से पैसा ला करके देगा। जो 17 महीने में हम लोगों ने काम किया वो 17 साल में भी नहीं हुआ। 5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया कि नहीं दिया, सबके मानदेय को दुगुना किया कि नहीं किया, जाति आधारित गणना कराया कि नहीं कराया, आरक्षण की सीमा 75% किया कि नहीं किया। हम लोगों ने जो काम 17 साल में नहीं हुआ उसको हम लोगों ने 17 महीने में किया। आईटी पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया। रात रात भर हम घूमते थे अस्पताल में कि डॉक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, साफ सफाई है कि नहीं। रे भाई, गड़बड़ जो करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी दिए, जो खेला कूदा खेल लेती कितना उनको भी हम लोगों ने मेडल जो लाया उसको भी नौकरी दिया। DSP हाईएस्ट रैंक है, अधिकारी का पद पे हम लोगों ने नौकरी दिया, जो खेला कूदा, जो देश के लिए मेडल लाया, ये सारा काम हम लोगों ने 17 महीने में किया।
उस समय बोलते थे असंभव है असंभव है। जो असंभव कहते थे उन्हीं से हमने ऐलान कराया, उन्हीं के हाथों नियुक्ति पत्र बांटवाया। तो हम ज्यादा पुरानी बात नहीं करने आए हैं, आज आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर के आए हैं। आज हम लोगों ने परिवर्तन पत्र जो है जारी किया है, और ये परिवर्तन पत्र परिवर्तन लाने का काम करेगा। हम लोगों ने ऐलान किया है कि देश में अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी। कितना? जोर से बोलिए, कितना? 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। नौकरी मिले, रोजगार बढ़े, महंगाई घटे, उद्योग लगे, किसान बढ़े, पढ़ाई और स्वास्थ्य मुफ्त मिले, ऐसा सरकार हम लोग बनाने का काम करेंगे। बताइए, अगर उप मुख्यमंत्री रहते हुए, उप मुख्यमंत्री ही ना थे, मुख्यमंत्री तो नहीं थे, अभी भी रहते तो 10 लाख पूरा हो गया होता। लेकिन 17 महीने में 5 लाख लोगों को हमने नौकरी दिया, तो देश केवल बिहार में, अगर आप लोग ताकत दीजिएगा भय जी को यहां से विजय बना करके भेजिएगा, तो हम लोगों को ताकत मिलेगा। और दिल्ली में उसी का पूजा होता है जिसको ताकत मिलता है, और ताकत देने वाले आप लोग हैं, मालिक हैं। आपको विश्वास रखना पड़ेगा, हम लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया है। 1 करोड़ लोगों को कब से, आने वाला जो 15 अगस्त होगा, 15 अगस्त को हमको आजादी मिली थी, उसी 15 अगस्त से हम लोग बेरोजगारी से आजादी पाने की प्रक्रिया, नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और यही नहीं, जितनी हमारी गरीब परिवार की बहनें हैं, तेजस्वी का जो कहता है वो करके दिखाता है। हम जुमला पार्टी अब बड़का झूठा पार्टी नहीं है, हमने करके दिखाया 17 महीने में। गरीब परिवार की बहनों को प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। 1 लाख रुपया गरीब बहनों को, जो गरीब परिवार की बहने हैं उनको 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। यही नहीं, जो अग्निवीर योजना इन लोगों ने लाया है इसको खत्म करेंगे। कितना भाई लोग आंदोलन किया, सबको जेल भेज दिया, जो देश का रक्षा करना चाहते थे ये भाजपा के लोगों ने उन भाइयों को जेल भेजा। बताओ, जो सेना हमारा सैनिक भाई है जो देश की रक्षा करता है, अग्निवीर योजना में अगर सैनिक अगर शहीद होगा तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, उसको पेंशन नहीं दी जाती है, उसको ग्रेजुएटी नहीं मिलती है, उसको कैंटीन की व्यवस्था नहीं मिलती है, 4 साल में हटा देगा, यानी 22 साल की उम्र में आप रिटायर करा देगा। बताइए, 22 साल के उम्र के बाद क्या करेगा, क्या करेगा रे भाई? ऐसा योजना लाए कि खाली 4 साल रहेगा, उसके बाद हटा देगा, तो जिंदगी भर क्या करेगा? इसलिए हम लोग अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे। अब पुराना जैसे बहाली होता था उसी हिसाब से बहाली हम लोग सब लोगों का कराने का काम करेंगे। शहीद का दर्जा दिलाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, चाहे CISF हो गया, चाहे CRPF हो गया, ITBP के जवान हो गए या अन्य हो गया पैरामिलिट्री का, उनको भी शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम लोग उनको शहीद का भी दर्जा देने का काम करेंगे। हम लोग सारा एयरपोर्ट बनवाएंगे, 5-5 बिहार में एयरपोर्ट बनवाएंगे, पूर्णिया हो, गोपालगंज हो, मुजफ्फरपुर हो, भागलपुर हो, रक्सौल हो, वहां हम लोग एयरपोर्ट बनाएंगे।
रेलवे को जो निजीकरण कर दिया गया, जहां बहाली निकलता था सबसे ज्यादा रे भाई, उसको खत्म कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। वो बताओ कितना साल से बहाली निकला है, कितना संख्या में निकला, 10 साल में नहीं ना निकल रहा, तो उसी हिसाब से वहां बहाली निकलवाया जाए। लालू जी ने सारा कूली को परमानेंट कर दिया था देश भर के, पता है कि नहीं। अब मोदी जी रेलवे के बेच दिए, BSNL के बेच दिए, पोर्ट के बेच दिए, एयरपोर्ट के बेच दिए, सेल भेल भी बेच दिए। कुछ बचा जो आर्मी का था, सेना में था, उसको भी ठेका पे दे दिए 4 साल का, ना पेंशन ना शहीद का दर्जा। क्या कर रहे हैं? मोदी जी आएंगे, खूब बात बोलेंगे, भाइयों बहनों 10 साल से प्रधानमंत्री है ना जी, और 17 साल से यहाँ बीजेपी का नीतीश चाचा का सरकार चल जा रहा है, 17 साल, 10 साल, और यहाँ के MP कितना साल से, 15 साल से, बताओ रे भाई। ऊपर से नीचे सब यही, गरीबी मिटी, यही मोदी जी आए थे, बोले थे भाइयों बहनों मोदी को लाओगे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरी कहाँ है। भाइयों बहनों काला धन लेके आऊंगा, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया डालूंगा। अरे कहाँ है, खाता में आया, कहाँ गया, वो तो बीजेपी को चंदा ना मिल गया, समझ रहे हैं ना। सबसे अमीर पार्टी पूरे विश्व की अगर कोई है तो बीजेपी है। कहां का पैसा आया, कौन दिया, हमने के भ्रष्टाचारी बोलते हैं, चंदा लेते हैं, अगर इनके खाता में ना डालना था तो अपने ही खाता में डाल लिए, हजारों हजार करोड़ रुपया, बताइए ऐसा ऐसा का। हमारी सरकार अभी कटनी हो रहा है, कई जगह कटनी हो गया, और एक दो गो फसल का ना उचित मिलता है दाम, फसल का वो भी पूरा नहीं मिलता है, बेईमानी हो जाता है। हमारी सरकार बनेगी तो 10 फसलों का हम लोग MSP जो है हम लोग तय करने का काम करेंगे, 10 फसलों का। स्वामीनाथन रिपोर्ट को, उनके सिफारिशों को हम लोग लागू करने का काम करेंगे, ये सब काम करेंगे हम लोग। ऐसा हम लोगों ने 24 का चुनाव है, 24 जन वचन 24 के लिए हम लोगों ने पूरा किया है। मेरा फेसबुक पे जाओगे, ट्विटर पे जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, पढ़ लेना, लिख लेना। लेकिन ये झूठा पार्टी से बच के रहिएगा। बताइए दुदुगो उप मुख्यमंत्री हो गया, कोनो काम नहीं कर रहा, खाली गड़ियाता है हमको सुबह शाम, जी भर के गाली। अब रामनवमी आएगा तो ये लोग तलवार बांटेगा, लेकिन तेजस्वी ने सबके हाथों में कलम बांटा है और आगे भी कलम बांटेगा। पता कलम चाहिए या तलवार चाहिए, कलम ना, बता नौकरी मिलेगा, हाथ में कलम रहेगा, नौजवान के ब्याह हो जाएगा, बीबी खुश, माई बाप खुश, बच्चा के खिलौना ला के देगा, बच्चों खुश। मोदी जी तलवार देंगे, बोलेंगे जाओ दंगा करो, लड़ो लड़ो हिंदू मुसलमान लड़ो, पुलिस थानेदार आएगा उठा के जेल में बंद कर देगा, पुलिसों को खिलाइए, वकीलों बाबू को खिलाइए, घर कंगाल हो जाएगा, माँ बाप दुखी, जवानों का ब्याह होगा तो जेल में था तो कोई ब्याह ना करेगा, ब्याह नहीं होगा तो बच्चा कहाँ से होगा रे भाई। हम खुशहाली और प्यार बांटने आए हैं, वो लोग नफरत बांट रहा है और लड़ाने का काम कर रहा है। ये सब लोगों की धरती है, भारत महान देश है, क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी अंग्रेजी शब्द है, लेकिन दिखने में अलग अलग लोग, पहनावा अलग अलग, खान पान अलग अलग। कश्मीर के लोग, कन्याकुमारी के लोग, गुजरात के लोग, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए उधर आसाम के लोग, सब लोग दिखने में अलग अलग है कि नहीं रे भाई, सबका भाषा अलग अलग है कि नहीं भाई,
पहनावा अलग अलग है कि नहीं भाई? तभी ना हमारा महान देश कहलाता है। अलग अलग जात के लोग हैं, हमारे अनेकता में ही एकता है, इसलिए हमारा देश महान है। ये बात समझने की जरूरत है। प्यार मोहब्बत बांटिए और मुद्दे की बात कीजिए। मोदी जी हिसाब दीजिए, 10 साल में क्या किया। बोलते थे मोतिहारी गए, बोलते थे यहीं का चीनी मिल जो बंद है उसको चालू करा देंगे, चीनी मिल चालू करा देंगे और उसी चीनी का चाय पिएंगे। 10 साल हो गया। वैसे ही वारिसलीगंज नवादा में चीनी मिल बोले थे चालू करेंगे, कुछ नहीं किए। वो केवल चुनाव आएगा, चुनाव में गारंटी दे रहे हैं, गारंटी। अरे मोदी जी, मेरा चाचा का पहले गारंटी दे दो, बाकी बाद में लेना। अगर मोदी जी का इतना मजबूत गारंटी तो मेरे चाचा का गारंटी ले सकते हैं क्या? कोई फिर पलट जाएंगे कौन गारंटी बा। और मोदी जी का गारंटी तो चाइनीज माल वाला गारंटी है, जब तक चुनाव है तब तक गारंटी है। बाद में जैसे अभी अमित शाह आए थे ना, फिर चुनाव के बाद बोलेंगे तो जुमला था जुमला। अरे बताओ, इसमें लिखे हैं हम परिवर्तन पत्र में और करेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे अगर हमारी सरकार बने तो, और बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, 1,60,000 करोड़ का बिहार को पैसा देंगे, हर एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपया हम लोग देंगे ताकि यहाँ का तरक्की हो सके, ऐसा बिहार बनाएंगे जो उदाहरण बनेगा देश में। हम नौजवान है, नई सोच है, ऊर्जा है, आपको बस ताकत देना है और मिल करके सब हम लोग बिहार को आगे ले जाएंगे। लेकिन अब इतना साल से एमपी वही है भाई, क्या किया आपके गांव के लिए? क्या किया? क्या किया आपके प्रखंड के लिए? क्या किया? तो कुछ नहीं किया तो उनके लिए क्यों करेंगे? हटावे के बाकी ना। अरे अभय जी, कुशवाहा समाज से आते, हम लोग सब समाज को लेकर चलना चाहते हैं। स्वर्ण जाति के लोग हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित आदिवासी भाई हो, अल्पसंख्यक भाई हो, हम लोगों ने सबको मौका दिया है और इस बार हम लोग सबको सम्मान दे रहे हैं और पूरा माहौल बन गया है, सबको जो मौका मिल रहा। अभय जी तो पुराने घर में आ गए वापस, यही ना थे पहले, आरजेडी में ना थे, जिला अध्यक्ष थे। और हम लोगों ने नौजवान है, लोकल कैंडिडेट है, टेकारी इनका घर पड़ता है, बगले के हैं, एगो तो एमपी मिलेंगे नहीं, चेहरा कैसा वो भी नहीं जानते हैं, है 15 साल से। अब इनके पास जाइएगा, दुख सुख सुनाइएगा, काम करवाइएगा, इसलिए इनको भारी मतों से जिताना है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।